देखिए, जिला जीत यादव जी जौनपुर के रहने वाले हैं और ये आर्मी में थे। अभी जो कल पुलवामा में घटना हुई, वहाँ पे एक आतंकवादी को, खुखार आतंकवादी को इन लोगों ने ढेर किया, उसी में ये शहीद हो गए। यह निश्चित रूप से जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का बहुत नुकसान हुआ। और जिलाजीत जी अपने लिए नहीं, जिलाजीत जी पूरे देश के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने शहादत दी है और उनकी शहादत को पूरा देश याद रखेगा हमेशा के लिए। और इसीलिए माननीय योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हम सब लोग आए हुए हैं। माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव जी हैं, सभी संगठन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हम सब लोग आए हुए हैं। और जो घटनाक्रम हुई है, इसकी तो भरपाई हो नहीं सकती, क्योंकि ये ईश्वर भी चाह के नहीं कर सकते, लेकिन परिवार का ढांढस बढ़ाने के लिए, चूँकि माँ बाप के इकलौते लड़के थे, घर में उनकी पत्नी हैं, उनके पिताजी भी नहीं हैं, उनकी माता जी हैं, एक 5 महीने का बच्चा है, चाचा जी वगैरह सब लोग हैं, तो एक तरीके से कहा जाए तो अभी पूरा गृहस्थी का अधूरा छोड़ करके वो गए हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ की तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सकता है वो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपये, एक आदमी की सरकारी नौकरी और इनके नाम पे एक जौनपुर जनपद में शहीद के नाम पे एक सड़क की घोषणा, इनके लिए स्मारक स्थल गांव में, चूँकि ग्रामीण लोगों की डिमांड थी, तो स्मारक स्थल बनाने की बात, और उनके नाम पे मुख्य मार्ग से जब भीतर आएंगे तो एक गेट बनाने की बात हुई है। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगी और इस पूरे शहीद के परिवार के साथ पूरा शासन प्रशासन और पूरी सरकार, मोदी जी से लेकर के योगी जी और हम सब लोग पूरे परिवार के साथ हर दुख सुख में शरीक हैं और जितना भी हर संभव मदद हो सकेगा हम लोग करने के लिए तैयार।